फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके साथ शाही पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 टमाटर जिसे मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, अदरक लहसुन का पेस्ट, 15 से 20 काजू जिसे मैंने ग्राइंड कर रखा है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। मसाले में जीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, शाही पनीर मसाला, कस्तूरी मेथी लिया है। ये थी इसकी सामग्री। अब हम शाही पनीर बनाएंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। 1 चम्मच जीरा, जीरे के बाद डालेंगे इसमें प्याज, प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अदरक लहसुन प्याज अच्छे से पक चुका है। अब इसमें टमाटर ग्राइंड करे हुए डालते हैं। इसमें नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, शाही पनीर मसाला 1 चम्मच। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस पेस्ट को हम अच्छे से 2-3 मिनट पका लेंगे। इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, तेल छोड़ दिया इसमें। अब हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का पानी मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर दें। पाँच मिनट इसको ढक के पकाएंगे। ग्रेवी को हमने 4-5 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। पनीर डालने के बाद 3 से 4 मिनट फिर से पकाएंगे इसको, पनीर को। पनीर डालने के बाद 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से पका लिया है। ये देखिए, पनीर पककर तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में डालते हैं। हमारा पनीर बनके तैयार हो गया है। हमने इसे बर्तन में रख दिया है और ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।